अरे बंदे उड़ रहे हैं, टावर पे भी है, टावर पे भी है, मत रोकना, नॉक है उनका एक शायद, नॉक किया, नॉक किया। अरे अरे जिन कविताओं से हमें सीख मिलती है मैं बहुत मानता हूँ उन कवि को, और आज मेरी ओर से शुभ अवसर पर ईद मुबारक हो आप सभी को। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। हाँ जानता हूँ कल थी पर एक दिन लेट हो गया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। फिलहाल अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो अब की बार 30 के पार फिर से तुम्हारे भाई ने कर दिखाया यार, और जब किल हो जाते हैं 30 के पार तो इंटेंस तो होता ही है यार। तो कुल मिला के वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आज आपको मजे टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं टेस्ला के गैराज में, और यहाँ उतरते ही मुझे एके मिल जाती है, तो पकड़ते हैं हर बंदों को। बेटा मारूंगा इतना गंदा, पंगा नहीं लोगे दोबारा, और पधार रहे हैं लॉबी में फौजी सीजे तो स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो यार यहाँ पर मैं टोटल गिनती के 5 बंदे मारता हूँ, अब कौन किसकी टीम का था ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर अपना उसूल है कद्दू कटेगा तो बराबर बटेगा। तो जो भी देखा मैंने सबकी पेटी बनाई, और इसी के साथ टेस्ला का ये गैराज भी पूरा खाली हो जाता है। खैर अब बात करते हैं एक जरूरी मुद्दे में। तो आप लोगों को कसीनो खेलने का तो बहुत शौक होगा, पर ये कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में आप कसीनो जा नहीं पाते होगे। तो फिकर नॉट ब्रो, तेरा ब्रो इज प्रो, मैं लाया हूँ ना आपके लिए सॉल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बिल्कुल मजेदार तरीके से ऑनलाइन कैसीनो खेल सकते हो, और वो भी बहुत आसानी से। जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना। खैर इस प्लेटफॉर्म का नाम है परी मैच, और परी मैच गेमिंग बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हो, वो भी डेली। और हाँ इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात ये है कि आपको बहुत ही कम पैसे लगाने हैं और जीत सकते हो आप ढेर सारा पैसा, यानी कि दे दनादन पैसा पैसा। और जब आप जीत जाओगे तो विड्रॉल करना भी बहुत ही आसान है, और साथ ही अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर सर्विस भी आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेगी। खैर मैं जानता हूँ कि किसी के मन में ये डाउट तो होगा कि अगर पैसों में हेरा फेरी हो गई तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परी मैच एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि 27 सालों से मार्केट में है। तो गाइस अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में जहाँ मैंने परी मैच गेमिंग का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो और फिर फटाक से रजिस्टर कर लो, और रजिस्टर करने के बाद आपको मिलेगा 150% का वेलकम बोनस अप टू $1500। तो गाइस इस चांस को मिस मत करना, जाओ रजिस्टर करो और परी मैच से पैसे कमाओ। अरे इधर मेरे से हील ले लगा लो। जो छोड़ के गई थी मुझे सालों पहले वो अब सिर्फ मेरे नाम का माला गाती है, और जब चलाता है फौजी M4 जैसी गन तो बंदों की फटके हाथ में आ जाती है। तो यार यहाँ पे हम लोग टेस्ला बनाए रहे थे, उतना ही में लोग मौके में चौका मार के हमारे ऊपर रस कर देते हैं, पर सही समय में मैं इनको देख लेता हूँ और संभाल लेता हूँ मोर्चा। खैर इन तीनों की पेटी बनाने के बाद मैं यहाँ से लूट लड़ करके सीधा गोरे गोपाल की तरफ आता हूँ, और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। अरे बंदे उड़ रहे हैं, टावर पे भी है, टावर पे भी है, मत रोकना, नॉक है उनका एक शायद, नॉक किया। अरे 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 भाई मैं जंप गिर गया ऊपर से, मैं गिर गया भाई। अरे उसने लास्ट बंदा मार दिया ऊपर वाले ने। अबे ये चूतिया हुआ है क्या? क्या हो रहा है? फौजी नहीं पड़ता कभी गलत कामों में, और नहीं करता किसी प्रकार के नशे। भाइयों कर दो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब अगर ये सीन देख के आप भी हंसे।
हंसे हो ना, झूठ नहीं बोलना। और मुझे ये भी पता है कि आपको ये टावर वाला क्लच भी बहुत अच्छा लगा, तो फिर काहे अंगूठे को रोक रहे हो? फटाक से सब्सक्राइब बटन दबाओ और फौजी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। फिलहाल देखो, ये बंदे टावर में इसलिए चढ़े थे क्योंकि ये किसी से मुठभेड़ कर रहे थे, तो हम भी यमराज को रिवाइव करने के बाद सीधे इस पहाड़ी में आते हैं। और यहाँ आते ही मुझे नीचे से एक बंदे की फुटस्टेप आती है। हेलो, प्लेयर है मेरे पास, अभी देखी मैंने। अभी मैं चलाऊं? अभी और अभी तक आपको भी यही लग रहा होगा कि वो जो नीचे बंदा था वो अकेला था, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि चलो यार, उसकी पेटी ऑटोमेटिक बन जाएगी, यहाँ से अपन निकल चलें। पर तभी अचानक से ये सीन होता है। अरे इधर नीचे बंदा, नेड चाहिए, दो दो नेड। मार्क द लोकेशन। रिवाइव रिवाइव खेल रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक नहीं दो दो बंदे होते हैं, और जिसको मैंने पहले नॉक किया था वो रिवाइव भी हो चुका है। तो मैं भी राइट से फ्लैंक करके नीचे की तरफ जाता हूँ और देखो यार उनको कैसे निपटाता हूँ। अरे ये बैठ, कवर में बैठा, बिल्कुल नीचे ये। वो क्या प्रो प्लेयर बनेगा पबजी में जो एक लड़की के लिए पिघल जाता है और देखकर अपने सामने फौजी सीजे को बेटा अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाता है। खैर पेशाब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सूसू सूसू निकल जाता है। फिलहाल मैं आपसे एक बात बताना भूल गया, तो जो हमारी टीम में एक बंदा नॉक हुआ है उनका नाम जरा आप ध्यान से पढ़ो, तो उनका नाम होता है BMBR फौजी। तो इस मैच में दो दो फौजी खेल रहे हैं, हालांकि वो हमारे फैन हैं, लिख लिए आप क्या कर सकते हैं। आज का ज्ञान, पबजी में अगर कोई रिकॉइल के लिए सबसे अच्छी गन है तो वो है MG3, और ये गन हमें ड्रॉप में मिलती है, तो जब भी मिले उठा लिया करो क्योंकि इसका रिकॉइल बिल्कुल जीरो है भैया। इनको मार सकते हो अभी भी, इनको मार सकते हैं क्या अभी भी? अरे ये बोल रहा है, एक हो गया, मुझे नॉक कर दिया। अरे एक तो घूम रहा है। तो यार इस टीम के तीन बंदे मैंने निपटा दिए, पर चौथा मेरे टीममेट के बताए अनुसार उड़ गया। लेकिन एक्चुअल में वो होता कहाँ है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, पर फिलहाल ये सीन देखो। गाड़ी आ रही है, ये भी उड़े। सर्दियों में नहीं गर्मियों में जाएंगे रोज नहाने, एक ही बार तो नॉक हुआ हूँ, क्या फिर भी मारने पड़ेंगे मुझे बहाने? अब क्या बताऊं यार, बहाना नहीं है मेरे पास, पर बदला ले सकते हैं, देखो यार कैसे। हाँ वो जा नहीं रहा, वो चिढ़ा रहा है। हाँ चिढ़ा रहा है गोल गोल घूम के। अरे गच्चा मर गया। तो यार फाइनली मैं इस बंदे को निपटा देता हूँ और अपने नॉक का बदला भी लेता हूँ। पर अब आपको देखने को मिलेगा कि इसके पहले जो टीम थी उसका चौथा बंदा आखिर है कहाँ पे। वो जल गया है क्या ये वाला? अरे मरे ओ, अरे यार उन्होंने मार दिया। अरे ये फूट भी जाता है क्या? अरे मुझे नहीं पता ये फूट जाता है। तो यार उस टीम का चौथा बंदा इस उड़न खटोला वाली मशीन के अंदर बैठा था और इतनी देर से चाचा पिक्चर देख रहे थे हमारी। अरे अरे अरे
टेस्ला गई अपनी। दोनों मैंने करा दिए। हाँ तुमको अवार्ड मिलेगा, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है दो नोक मैंने कर दिए। तो आप लोग सुन लो, दो नोक यमराज ने कर दिए ठीक है, पर पेटी तो तुम्हारा भाई ही बनाएगा, क्योंकि अब की बार 30 के पार करना है यार। भागना पीछे। एक गाड़ी के पीछे। चलो हम अपने दिल का राज किसी के पास नहीं खोलते, बहुत अच्छा लगता है जब मेरे टीममेट ओपी बोलते। खैर मेरे टीममेट ने ओपी की जगह पुदीना बोला था, तो जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा WWE में सबसे अच्छा लगता है मुझे जॉन सीना। कि WWE में सबसे अच्छा लगता है मुझे जॉन सीना। इनको मारते ही मेरे टीममेट ने बोला पुदीना। मैं जानता हूँ शायरी सस्ती है पर अपनी है, तो झेल लो यार। फिलहाल देखो अब इस मैच में से 5 बंदे बचे हैं, तो उनको ढूंढने में इस तरह पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप गिरा था और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। अरे बहुत हार्ड। गाड़ी फोड़ दो, गाड़ी पीछे वाला गाड़ी फोड़। जब अब वो यहाँ रुके और ये जो हमारे साथ एक और BMBR फौजी है, इसके भी लक्षण बिल्कुल भैया मेरी जैसे हैं। बार बार नॉक होता है यार। फिलहाल देखो यार एक टीम की पेटी हम बना देते हैं, पर दूसरी टीम अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं यमराज से सम्मुख करवाता हूँ और उसके बाद गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। और क्या अब हम इनको फ्लैंक करके निपटा पाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजे गेमिंग। उनके पास चलो तुम, अलग मत चलो। अरे इसका रिचुअल एकदम मस्त है। लड़की वही पटाओ जो आप पे हमेशा मरे। कमेंट में बताना भाई लोग कैसा लगा स्प्रे। तो यार यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और अब बचे उस टीम के सिर पर सिर्फ 2 बंदे, तो देखो यार उनको भी कैसे निपटाते हैं। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा गाड़ी पे, ये रहा एक गाड़ी के पीछे है। एक अलग है, ये लेट गया, इसको मारो। और बंदा पीछे देखो, मत घुमाओ ऐसे गाड़ी, मुझे डर लग रहा है। लास्ट वहां पे है, लास्ट उसके पीछे है। मार्क द लोकेशन। और 2 बंदे। हेलो भाई। और आज ये BMBR फौजी कसम से हंसवा दिया यार मेरे को, बेचारे को मेरे ग्रह नक्षत्र लग गए हैं। फिलहाल देखो यार अब बचा एक लास्ट बंदा, तो उसको निपटाने में आगे की तरफ जाता हूँ और देखो यार क्या होगा। आपने टीममेट को रिवाइव देने, टावर के पीछे आ गया।
मेरे फैंस मेरे दिल में और उसमें आपका प्यार, मैं सबको मार गिराता हूँ, लास्ट ही रह जाता है हर बार। लेकिन यार अगर इसको इस बार नहीं मारा तो 30 किल का सपना टूट जाएगा, इसलिए मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ रुको जरा सबर करो, रिवाइव करके हम खुद मारेंगे। सेहत को कहते हैं अंग्रेजी में हनी, क्या ये गेम प्ले आपको लगा फनी? कमेंट में जरूर बताना यार, क्योंकि इस गेम प्ले को खेलते टाइम मैं बहुत हंसा था। फिलहाल देखो यार, इस बंदे को निपटाने के बाद हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।